नवाज शरीफ मुल्क के सरबराह हैं, उनका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए। वज़ीर आज़म अपने और बच्चों के असासे गलत बताने पर नाअहल हो सकते हैं। खुर्शीद शाह की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, शाह महमूद कुरैशी और फारूक सत्तार भी खुर्शीद शाह से मुलाकात करेंगे। इमरान खान कहते हैं जंगलात काटने वाले ऑफशोर अकाउंट्स वालों से भी बड़े मुजरिम हैं। पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है, लगता है पंजाब में दरख्त लगाने की जरूरत ही नहीं। नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजंजो की वजीर आजम से मुलाकात, अदालती कमीशन बनाने की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन का टिकट ना मिला, जिंदगी का टिकट कटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अकलियती रुकन असेंबली स्वरण सिंह को जिले काउंसलर बलदीप कुमार ने कत्ल कराया। खुद इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन टिकट ना मिला। डीआईजी मालाकंड के इंकशाफात। पेशावर में मोटरसाइकिल सवारों ने मारूफ शायर साबिर हुसैन को बहू समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी का पीछा किया, रोककर गोलियां मारी। लैया में जहरीली मिठाई ने आज भी दो जिंदगियों की मिठास छीन ली, हलाकतें 25 हो गईं। डॉक्टर जहरीली दवाई का तोड़ ढूंढने में नाकाम, इलाके में फिजा सोगवार। सरगोधा की सियासी शख्सियत से तनाजा, पंजाब भर में यंग डॉक्टरों का मसीहाई से इनकार, मरीज तकलीफ का शिकार। कराची में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, कल से गर्मी में कमी आएगी। शहर कायद का पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हैदराबाद में पारे ने 41 को छू लिया। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी हार्ट ऑफ एशिया इजलास में शिरकत।